सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जब से कंगना रनौत ने नेपोटिज्म का एंगल सामने लाया है, तभी से जनता काफी ज्यादा स्टार किड्स पर भड़की हुई है। पहले तो लोगों को लगा ये सिर्फ नॉर्मल सी बहस है, इससे क्या ही होगा, लेकिन जब जनता साथ मिल जाती है तो क्या क्या नहीं हो सकता, ये हमने सड़क 2 के ट्रेलर के साथ देख ही लिया। सुशांत के केस के साथ कई बार रिया के मास्टर कहलाए जाने वाले महेश भट्ट का नाम जुड़ा, जिस वजह से जब महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ा डाली। 1 मिलियन से ज्यादा तो इसे डिसलाइक ही मिल गए। वहीं अब सेम टू सेम हुआ अनन्या पांडे और ईशान खट्टर दोनों की आने वाली फिल्म खाली पीली के टीजर के साथ भी। 2 दिनों के अंदर ही इस टीजर को 1.2 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिले हैं और इसे ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद दोनों ही स्टार्स को खूब खरी खोटी सुनाई और सुशांत के लिए सीबीआई की मांग न करने पर खूब लताड़ा। देखा जाए तो अनन्या और ईशान पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने वाली है। इस फिल्म को मकबूल खान ने डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस अली अब्बास सफर ने। आपको बता दें, जब अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम पर टीजर का वीडियो शेयर किया तो लोगों ने उन्हें खूब सुनाया। देखिए जरा कुछ ट्वीट्स। डिसलाइक मैराथन शुरू की जाए, ऑल नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स, फ्लॉप विद गारंटी, व्हाई इंस्टाग्राम डोंट हैव अ डिसलाइक बटन, आइए आइए आप भी आइए, विल शो दिस मोर लव इन सड़क 2, एक्साइटेड टू डिसलाइक। आपको बता दें, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म में 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। खबरों के अनुसार जी स्टूडियो से अपने OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर स्ट्रीम करेगी, लेकिन फिल्म में अभी थोड़ा काम बाकी है, इसे पूरा करने में 1 दिन का वक्त लगेगा। फिल्म की पूरी टीम इसे खत्म करने के लिए प्लान बना रही है, इसे खत्म करने में 1 या 2 दिन लगेंगे। अनन्या और ईशान फिल्म के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में ही शूटिंग करेंगे। शूटिंग मुंबई में ही होगी और सरकारी दिशा निर्देशों और नियमों के अनुसार होगी। वेल, आपका इस फिल्म के टीजर को मिल रहे हेट पर क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।